डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि तुसी नाउंस ते एडजेक्टिव्स दी एरर्स नू फाइंड आउट करना सीख के होंगे। तो चलो आओ आज वर्ब्स दी एरर्स नू फाइंड आउट करना सीखिए। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, वेजिटेबल्स गोस बैड इन समर। वर्ब्स दी एरर्स फाइंड आउट करने समय तुसी एक गल दिमाग च रखनी है, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हुण इत्थे देखो, वेजिटेबल्स प्लूरल सब्जेक्ट है और अकॉर्डिंग टू रूल अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होएगा। सो द करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल्स गो बैड इन समर। सेकेंड, इधर मोहन और शाम आर टू बी प्रमोटेड। इस सेंटेंस दे विच इधर ते और यूज होया है। जदों तुसी इस तरह के सेंटेंसिस विच एरर फाइंड आउट करनी है तो यह देखना है कि और तो बाद केड़ा सब्जेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही तुसी वर्ब अप्लाई करना है। इत्थे एक गोल्डन रूल याद रखना है कि जेड़ा सब्जेक्ट वर्ब दे ज़्यादा क्लोज होएगा उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब यूज करने। सो द करेक्ट आंसर इज इधर मोहन और शाम इज टू बी प्रमोटेड। थर्ड, नीदर टॉम नोर ही सिस्टर हैव गोन टू स्कूल। इत्थे भी तुसी नोर तो बाद आए सब्जेक्ट नू ही देखना है। हुण देखो इत्थे नोर तो बाद आया हिज सिस्टर, हिज सिस्टर वर्ब दे क्लोज है, ऐसे लई इहदे अकॉर्डिंगली ही आपां वर्ब अप्लाई करना है। सो द करेक्ट आंसर इज नीदर टॉम नोर ही सिस्टर हैज गोन टू स्कूल। फोर्थ, 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हुण देखो इत्थे जो सब्जेक्ट है वो है 70 माइल्स। चाहे माइल्स प्लूरल नाउन है परंतु 70 माइल्स उरे सिंगुलर यूनिट का काम कर रहे हैं और इसलिए उरे आपां इज यूज करांगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के नाल सिंगुलर वर्ब लगते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। फिफ्थ, I have finished my play last night. कुछ adverbials ऐसे ने जो सिर्फ और सिर्फ past indefinite विच ही यूज होते ने, जिमें yesterday या last night, last week. So the correct answer is I finished my play last night. Sixth, he finished his work when I met him. ए सेंटेंस past perfect नु शो करते हैं जिदे विच एक तो बाद दूसरा काम होया और जो काम पहला होया हुंदा है उहदे वास्ते पास्ट परफेक्ट ते उस तो बाद होने वाले काम वास्ते पास्ट इनडेफिनिट यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई मेट हिम। सिक्स्थ, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड। इत्थे सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर जो कि एक सिंगुलर यूनिट नू शो करते हैं, ऐसे लिए लॉ एंड ऑर्डर दे नाल इज यूज किया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज लॉ एंड ऑर्डर इज टू बी मेंटेन्ड। एट्थ, कैन आई कम इन मैडम। जदों आपां फॉर्मल ते पोलाइट रिक्वेस्ट शो करनी है उस टाइम ते मे यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज मे आई कम इन मैडम। नाइन्थ, What will I do next? Future च करन वाले किसे काम की intention वास्ते shall use करांगे। So the correct answer is what shall I do next? Tenth, she said her friend goodbye. Formal ते literary writing दी विच्चु goodbye या farewell दे नाल bid use करते हैं जो कि bid दी conjugation है। So the correct answer is she bid her friend goodbye. 11th, a snake cut her. Cut दा मतलब है किसी चीज़ नूं separate करना या divide करना, पर दंदां दी वरतों करके किसी चीज़ नूं कटन नूं bite कहंदे ने। So the correct answer is a snake bit her. 12th, she laid in her bed. Lay ते laid दा use बहुत बार confusing लगता है, पर तुसी एक गोल्डन रूल ध्यान दे विच रखना है कि लेट तो बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दी लोड पैंदी है पर ले तो बाद नहीं। लेट दा मतलब है किसी चीज़ नू अपनी मर्जी नाल या बहुत ध्यान दे नाल रखना।
पर ले दा मतलब है आराम करना या लेटना। लेट ले दी पास्ट फॉर्म है, ते ले लाई दी पास्ट फॉर्म है। सो द करेक्ट आंसर इज शी ले इन हर बेड। 13th, आई नो जो प्ले फुटबॉल जदों तुसी स्किल एबिलिटी या प्रैक्टिकल नॉलेज की गल करनी है उस टाइम ते नो तो बाद हाउ टू यूज करना है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। 14th, द टीचर गेव अ स्पीच। इत्थे तुसी ये देखना है कि स्पीच दे नाल गेव लगाना है या मेड, तो इहदा इक की पॉइंट याद रखना है। जदों तुहाडा फोकस एक्शन दे उपर होए या तुसी फॉर्मल स्पीच देनी है उस टाइम ते गेव यूज कर सकते हैं, पर जदों तुसी इनफॉर्मल स्पीच देनी है या तुहाडा फोकस कंटेंट या क्वालिटी उपर है उस टाइम ते मेड अ स्पीच यूज करना है। आई होप एरर्स नूं सोल्व करन दे तुहाडे सारे रूल्स क्लीयर हो गए होंगे। इफ यस देन डू सम प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching.